सुर्खी विधानसभा में प्रत्याशी कांग्रेस के नीरज शर्मा ने ग्राम घाना में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ जी का वादा है कि कांग्रेस सरकार बनी तो 1 जनवरी 2024 को महिलाओं के खाते में आ जाएंगे 1500 रुपए। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आगामी विधानसभा चुनाव में विशाल अंतर से जीत पाने के लिए सुर्खी के कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा का जनसंपर्क अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में लोगों का अपार स्नेह और समर्थन प्राप्त हो रहा है। गत दिवस पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐतिहासिक घोषणा मतदाताओं के लिए करते हुए कांग्रेस की जीत सुनिश्चित कर दी है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले नारी सम्मान योजना के दस्तावेज में बतौर मुख्यमंत्री हस्ताक्षर करेंगे कमलनाथ। 1 जनवरी 2024 को प्रदेश की महिलाओं के खाते में आ जाएंगे 1500 रुपए। इतना ही नहीं, महिलाओं को 500 रुपए में मिलने लगेगा घरेलू गैस सिलेंडर। और तो और, जिन महिलाओं के नारी सम्मान योजना के फॉर्म नहीं भरे गए हैं उन्हें भी 1 जनवरी से नारी सम्मान योजना का फॉर्म भरवाएगी कांग्रेस सरकार। पीसीसी कमलनाथ जी की चुनाव के समय यह घोषणा गेम चेंजर बनकर उभर रही है। पीसीसी अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का नया संचार हुआ है। नीरज शर्मा के साथ आज गुड्डू राजा बुंदेला भी जनसंपर्क में साथ निकले। गुड्डू राजा ने बताया कि सुर्खी विधानसभा में लोगों में यह जनचर्चा है कि हमारा वोट तो 35 करोड़ में बिक गया था। मतदाता की यह टीस पूरे अंचल का रुख साफ कर देती है। कांग्रेस के संकल्प को लेकर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा आज जनता के बीच ग्राम महुआ खेड़ा, चैनपुरा, सगोनी, ढकरे, पड़रई, बंजरिया, खमरिया, घाना, साजी पहुंचे और उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के संबंध में लोगों को जानकारी दी। द खबरदार न्यूज से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। मैंने बहुत कोशिश की, नहीं आ पाए कुछ वजह, लेकिन अगली बार आएंगे अपन यहाँ के बंद का भोजन करेंगे, प्रसाद पाएंगे और विजय तिलक आपको सबको लगाएंगे, आप सब जनता को लगाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे मैं एक बार फिर विनती करता हूँ, आप सबके बीच का मैं आपका भाई हूँ। आपको बोल रहे थे कि मैं बाहर का नहीं हूँ, भाई मैं यहीं का हूँ, आपके बीच का हूँ। मैं भोपाल में घर है और इस गाँव में भी घर है, मंदिर भी हमारे बन रहा है, हमारे घर है। हमारे चाचा हैं और इनका आशीर्वाद हमारा परिवार पर रहा है, हमारे ऊपर भी बना रहे, ये हमारी कामना है और जनता से भी कामना है कि आप लोग हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे छोटे भाई पे हम पे सब पे बनाए रखें, क्योंकि ये हम लोगों की लड़ाई आप लोगों के लिए है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग को पीछे धकेलने का काम किया है यहाँ के विधायक ने, यहाँ के मंत्री ने और यहाँ की सरकार ने। इसको हटाना अपन लोग की भी जिम्मेदारी है और आप लोग एक छोटों के कारण जिताइए और कमलनाथ जी को। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।